बुजुर्ग बार बैंक जाकर 1,000 रुपए निकालने के लिए एक चेक फिलअप करके जमा किए। कैशियर ने उनको बोला कि आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है? उन्होंने बोला हाँ है। तो कैशियर ने बोला कि नीचे जाइए और देखिए वहाँ पर एटीएम बूथ है, वहाँ से 1,000 रुपए निकाल लीजिए। तो बुजुर्ग बार ने बोला कि मेरा अकाउंट है, मेरा पैसा है, कैसे निकालूं वो मुझे सोचने दीजिए, आप पैसे दीजिए। कैशियर को थोड़ा सा ईगो में हर्ट हुआ होगा। उन्होंने कहा कि इतना छोटा अमाउंट मैं यहाँ पर नहीं दे सकता। तो बुजुर्ग बार ने बोला कि अगर अमाउंट ज़्यादा हो तो दे सकते हैं? तो बोला कैशियर ने बोला हाँ ठीक है दे सकता हूँ। तो बुजुर्ग आदमी थोड़ा सा दूर गए, बेंच पर बैठे और दूसरा चेक फिलअप करके लेकर आए और उस पर उन्होंने लिखा था 80 लैक्स ओनली, 80 लैक्स। तो कैशियर को लगा इनके अकाउंट में इतने पैसे नहीं होंगे। वो पहले चौंक गए थे, फिर सोचा देखता हूँ एक बार चेक करके। तो कीबोर्ड थोड़ा हिला डुला कर फिर उनका चेहरा थोड़ा सा पीला पड़ गया। उन्होंने बोला कि इतना बड़ा अमाउंट नहीं दे सकता कैश। अब बुजुर्ग ने बोला अजीब आदमी है आप, छोटा अमाउंट हो तो नहीं दे सकते, बड़ा अमाउंट हो तो भी नहीं दे सकते, तो क्या दे सकते हैं वो बताइए। कैशियर ने बोला कि इतना बड़ा अमाउंट अभी कैश नहीं है यहाँ। तो बोला ठीक है कितना दे सकते हैं वो बताइए। तो कैशियर ने बोला कि 10 से 15 लाख तक दे सकते हैं। बुजुर्ग ने बोला ठीक है। वो फिर से गए बेंच पर और तीसरा चेक फिलअप करके लेकर आए, उस पर लिखा था 15 लाख, 15 लैक्स ओनली। तो कैशियर ने पैसे दे दिए और बुजुर्ग ने बहुत अच्छे से गिन गिन कर पैसा लिए, समझ लिया अच्छे से, और फिर से जाकर उसी बेंच पर बैठ गए और थोड़ी देर बाद एक डिपॉजिट स्लिप लेकर आ गए। डिपॉजिट स्लिप में लिखा था 14,99,000 ओनली। अब उन्होंने बोला, कैशियर को दिया डिपॉजिट स्लिप और बोला कि अकाउंट में जमा कर लीजिए, गिनती ठीक से कीजिएगा। कैशियर थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। उनको समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा भी आदमी होता है दुनिया में। गिनती पूरे किए और वो पैसा उन्होंने जमा कर लिया। पहले ही अगर वो 1,000 रुपए दे दिए होते तो इतना सारा झमेला तो उनको नहीं करना पड़ता। इसका मतलब मैं तो ये समझती हूँ कि किसी को झमेला करवाने से पहले दो बार सोचना चाहिए कि ये झमेला मेरे ऊपर भी आ सकता है। ये कहानी सुनकर आपको कैसा लगा और आपको क्या बोलने का मन हो रहा है ये ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए यहाँ तक ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में मैं मिलूँगी कोई नई कहानी या नई कविता के साथ। Thank you so much for watching. Bye-bye.